हेलो दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों को सामूहिक दुर्घटना बीमा हेतु ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है जिसे हम जीपीए प्रपोजल कहते हैं। और आप अपने मोबाइल से जीपीए प्रपोजल को किस प्रकार से भरें और उसका प्रिंट आउट कैसे लें, इसके लिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको क्या करना होगा, आपको एक ओपेरा मिनी जो एक ऐप्स हैं इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ओके, और फिर इसके बाद में आपको इसमें एसएसओ लॉगिन में जाएंगे। आप एसएसओ लॉगिन करेंगे और वहाँ से आपको आपके पास में जो एसएसओ आईडी हैं, पासवर्ड हैं, उनका यूज़ करते हुए और हम एसएसओ लॉगिन करेंगे। पासवर्ड के बाद में आपको कैप्चा जो गिवन है यहाँ पर, कैप्चा आपको फिलअप करना है। और फिर लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो एसोसो है, उस एसोसो में खूब सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे। उसमें जो करंटली ऐप्स जो आप यूज़ कर रहे होंगे वो आपको आपके होम पेज में दिखाई देंगे। देखिए, आप इस प्रकार से आपको खूब सारे, अगर बाय द वे आपको SIPF वाला ऐप्स अगर आपको दिखाई नहीं देता है, वैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास में ये ऐप्स शो होता है। अगर दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ से जाके अदर्स भी आप ले सकते हो, या फिर आप इसमें और भी इसके माध्यम से सिटीजन वाला ऐप्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बट ये आपका SIPF अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो आपको ये आसानी से आपके होम पेज में दिखाई देगा। और SIPF को हम ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद में हम देखेंगे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। इसमें जो कार्मिक जीपीए प्रीमियम राशि 220 रुपये रखना चाहते हैं, या फिर 700 रुपये रखना चाहते हैं, 1400 रुपये रखना चाहते हैं, या 2100 रुपये रखना चाहते हैं, वो सभी शर्तें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर जो रखना चाहते हैं इसमें तो हम यहाँ जीपीए में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अलग अलग राशि चूज़ कर सकते हो। बट मैं ऑलरेडी ही इस राशि को चूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे क्या है कि डायरेक्ट प्रिंट आउट लेना है यहाँ से। तो यहाँ से प्रिंट में जाएंगे डायरेक्ट। जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे उसमें कुछ भी नहीं, आपको केवल राशि सबमिट करनी, और साथ में आपको जो आपका नॉमिनी है, नॉमिनी आप एक को ही चूज करें, कोशिश ये करें उसको 100% उसको 100% करते हुए आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके, इसके बाद जो उसका शेयर है 100% रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद में आपको ओके सबमिट करना है, ओटीपी आएगी आपके पास में। ओटीपी आने के बाद में आपको ओटीपी नंबर जो आपके मोबाइल नंबर है या आपके जो जीमेल आईडी है उसमें से ओटीपी आपको फिलअप करनी है, और साथ में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रिंट का एक इस प्रकार से पेज दिखाई देगा और यहाँ से आपको प्रिंट करना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना जो पेज है वो शो हो जाएगा। इसको आप शेयर कर सकते हो, वैसे यहाँ जाके आप इसको ऑफलाइन भी आप इसको सेव कर सकते हैं, साथ में आप चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। ओके, इस टाइप से हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने को अपने पास में सेव कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से अपना जीपे फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो और अपने जो आपका जो डीडीओ है उनके पास में आप सबमिट करवा सकते हो। ओके, थैंक यू।